गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो इससे बी क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 4 चल रहा था वो कंप्लीट किया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आता है अपना इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अपने पास में और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ ओनली फॉर मैट्रिक्स से रिलेटिव ही पढ़े थे, अब उसका इनवर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका जो पॉइंट आता है वो है नन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है इसके लिए देखो, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ यानी कि इफ द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज नॉन जीरो, ए क्या आपके पास में मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। मैंने आपको मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बताया भी था कि मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी कोई भी कैपिटल लेटर अपन ले सकते हैं। नॉन जीरो इन अदर वर्ड्स देखो पहले लिखा है इफ द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन जीरो, अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं अपने पास में, तो कहने का मीन्स अपने पास में ये है उसकी वैल्यू अपने पास में क्या नहीं आनी चाहिए, जीरो नहीं आनी चाहिए। तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल मैंने क्या लिखा है यहाँ पर जीरो लिखा है, देन मैट्रिक्स ए इज टर्म्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो भी आपकी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मैट्रिक्स के लिए ए इक्वल में 2 4 3 5 ठीक है, डिटरमिनेंट करेंगे तो ए डिटरमिनेंट यानी करेंगे तो ये 2 4 3 5। अब ये बताओ आप सबसे पहले ये किस ऑर्डर में अपने पास में 2 × 2 में है, तो अपने पास में डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए आपको 2 × 2 के लिए 5 था, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है आपका लीडिंग डायगनल माइनस आपका क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है ऑफ डायगनल। प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगनल माइनस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, तो लीडिंग डायगनल आपका कौन सा है ये, तो क्या हो जाएगा 2 × 5, ऑफ डायगनल क्या हो जाएगा 4 × 3 और इधर आपका क्या चल रहा है डिटरमिनेंट ए चल रहा है। ओके तो डिटरमिनेंट ए इक्वल 2 × 5 = 10 माइनस 4 × 3 = 12 कितना बच रहा है माइनस के 2, तो कहने का मीन अपने पास में माइनस 2 है वो किसके इक्वल में नहीं है जीरो के इक्वल में नहीं है। तो आपको मैंने यही कहा था डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल क्या है आपके पास में जीरो, वो भी आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ ए इक्वल में ये दिया था क्वेश्चन, इसने ये पूछा था इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स पूछा था ये क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर यस हो जाएगा ठीक है। ओके नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। वैसे मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में चैप्टर नंबर 4 में जब बेसिक बताया था वहां पे नोट लिखवाया था स्टार्टिंग में, थोड़ा सा बेसिक बताने के बाद में उसमें नोट का पॉइंट लिखवाया था, उसमें 3 पॉइंट दिए थे, तो 3 पॉइंट में अपने पास में एक था सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए था, इसके लिए था सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए था। ओके तो देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सेकेंड पॉइंट आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में चैप्टर नंबर 4 में मैंने बताया था, फिर भी अपन वापस देखते हैं इफ द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास में क्या आएगी जीरो आएगी। इन अदर वर्ड्स डिटरमिनेंट ए इक्वल क्या होगा आपका जीरो होगा, देन मैट्रिक्स इज टर्म्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उस जो मैट्रिक्स है उस टाइप की मैट्रिक्स को अपन क्या बोल सकते हैं वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके तो देखो आपको मैंने ऐसे बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स है अपने पास में तो उसमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू यानी डिटरमिनेंट जो फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में जीरो आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले रखा है ए इक्वल 1 2 3 6 ये 2 × 2 ऑर्डर के अपने पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब अपने को ये पूछा है इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है ये पूछा है, तो इस कंडीशन में देखो डिटरमिनेंट ए इक्वल आपके पास में 1 2 3 6 पहले डिटरमिनेंट का सिंबल यूज कर लिया, अब 2 × 2 का है अपने पास में तो वही बात हो जाएगी क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रीडिंग डायगनल
माइनस क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ डाई। तो लीडिंग रेशियो क्या बनेगा 1:6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, 6 माइनस कैल्सियस इक्वल क्या आ जाएगा आपका 0। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 0। ओके तो आपको ऐसे डिफरेंस देखना हो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है उसमें ये होता है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास में क्या आती है 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल क्या होता है आपका 0 होता है। ओके तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका टॉपिक जो आता है वो है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है नेक्स्ट जो टॉपिक था वो अपना है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई से एम इनटू एम कोई भी ऑर्डर है इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एफ आई से। इसका क्या ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में अपने पास में क्या हो जाएगा यानी एन इनटू क्या हो जाएगा एम। ठीक है तो अपने पास में वेयर एफ आई से is the cofactor of element A I Z adjoint of the matrix A is denoted by adjoint A। कहने का means इसमें क्या है यानी कोई square matrix है उसका order यानी अपने पास matrix है A I Z M into N is defined as that। इसका क्या करेंगे transpose करेंगे। transpose का मतलब अपन क्या लेंगे यहाँ पर cofactor, cofactor को denote किससे किया जाता है F I J। तो यहाँ पर F I J order हो गया where F I J is the cofactor of element यानी उसका क्या करेंगे ए है उसका ट्रांसपोज करेंगे यानी ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे। और ट्रांसपोज करने के बाद में यहाँ इसका ये होता है एफ आई जे होता है और एफ आई जे अपने पास में क्या है कोफैक्टर एफ आई जे और कोफैक्टर को डिनोट किससे किया जाता है कोफैक्टर से यानी कोफैक्टर है उसको डिनोट किससे किया जाता है एफ से। एलिमेंट ए आई से एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। कहने का मीन्स इसमें ये है यानी कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल में आई से उसका क्या करना है अपने को ट्रांसपोज करना है क्या करना है उसका ट्रांसपोज और ट्रांसपोज को डिनोट किससे किया जाएगा एफ आई जे से। और यहाँ पर एफ है वो एफ आई जे क्या है यहाँ पर वो फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई से यानी एलिमेंट है ए आई जे के उसके क्या है यहाँ पर वो फैक्टर। ठीक है अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर इफ ए इक्वल में कोई मैट्रिक्स ली है अपने पास में यहाँ पर ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री टू यानी ये कोई मैट्रिक्स है अपने पास। ठीक है अब यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करती हूँ देखो तो डिटरमिनेंट ए इक्वल आपका क्या बनेगा यानी डिटरमिनेंट का सिंबल हो जाएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू और ए टू थ्री और ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री ये इसका क्या फाइंड कर दिया अपने डिटरमिनेंट फाइंड कर दिया। अब क्या देखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ए के। तो देखो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ यानी कौन सी रहेंगे यानी एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। इसमें डिटरमिनेंट ए के क्या देखेंगे कोफैक्टर देखेंगे। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में बोलो ए वन वन की जगह क्या आ जाएगा एफ वन वन एफ वन टू एफ वन थ्री एफ टू वन एफ टू टू एफ टू थ्री और एफ थ्री वन एफ थ्री टू एफ थ्री टू। ओके तो देखो इसमें अपने को क्या मिल रहा है यहाँ से देखो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ ये है आपका एफ वन वन एफ वन टू एफ वन थ्री एफ टू वन एफ टू टू एफ टू थ्री एफ थ्री वन एफ थ्री टू एफ थ्री और इसको किसे डिनोट किया जाएगा एफ आई से किसे डिनोट किया जाएगा यहाँ पर एफ आई से।
एक बार भी मैं फिर से बता रही हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आता है, कोई भी जो मैट्रिक्स दी हुई है, यानी कोई भी जो मैट्रिक्स दी हुई है उसमें क्या करेंगे, उसके कोफैक्टर लेंगे, कोफैक्टर लेने के बाद में उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये कोफैक्टर लिया है, इसका अपने को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पर एफ आई जे और इसको किसे डिनोट किया जाएगा, यानी क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो आपके पास में देखो इसका ट्रांसपोज करेंगे एफ वन वन, एफ वन टू, एफ वन थ्री, एफ टू वन, एफ टू टू, एफ टू थ्री और एफ थ्री वन, एफ थ्री टू और एफ थ्री। इसका क्या करना है, अपने को ट्रांसपोज करना है, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स में ये जो ये वाला, क्योंकि देख आप समझते होंगे इधर मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंबल लगा रखा है, तो ये मैट्रिक्स क्या, ठीक है। और ये आपका किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट क्या होता है, ये आपका एडजॉइंट ए होता है। रिवाइज कर रही हूँ, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको अपने को किससे डिफाइंड करना है, यानी एफ आई से कोफैक्टर लेना है और कोफैक्टर है उनका क्या करना है, अपने को ट्रांसपोज करना है। और एफ आई से क्या है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, और उसको अपन डिनोटेड किससे करेंगे, एडजॉइंट ए से। तो देखो जैसे ये ए इक्वल में मैंने ये मैट्रिक्स ली थी, डिटरमिनेंट फाइंड करूँ तो डिटरमिनेंट का सिंबल लग जाएगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए, यानी इसके कोफैक्टर क्या होंगे, यानी ये होता है तब फॉर्मूला क्या होता है, यानी यहाँ पर ए आई से होता है, तभी तो आई की वैल्यू वन है, जे की वैल्यू भी क्या है वन है, तभी तो आपका क्या है ए वन वन आया, और आई की वैल्यू वन है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, तो ए वन टू आया। अब इनके कोफैक्टर होंगे तो आपको पता है कोफैक्टर को डिनोट किससे किया जाता है, एफ आई जे से, तो आई की वैल्यू क्या होगी वन, जे की वैल्यू क्या होगी वन, तो एफ वन वन बन जाएगा, ऐसे एफ वन टू, एफ वन सिमिलरली ऐसे बन जाएंगे आपके, ठीक है। फिर इसका क्या करना है, अपने को ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैंने लिख दिया एफ आई जे, ट्रांसपोज कर देंगे अपन, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ए बोलेंगे, ओके। अब देखो एक एग्जांपल समझाती हूँ, वहां पर देखना आप, जैसे कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल यहां पर लेते हैं, यानी ए इक्वल में जैसे मैंने मैट्रिक्स ले ली टू थ्री और इसका ऑर्डर ले लिया, यानी अपने पास में टू इंटू किसका हो गया, ये टू का, टू इंटू किसका हो गया, टू का हो गया। अब इसको आगे देखो, यहां से फिर उसके बाद क्या कहा था, जो भी कोई मैट्रिक्स दी हुई है उसको क्या करेंगे, डिटरमिनेंट से करेंगे, जैसे ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री लिया था, फिर पहले स्क्वायर मैट्रिक्स थे उसको फिर किसका क्या था, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया था, तो टू थ्री फोर फाइव ये डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा था आपको, एफ आई जे लेना है, एफ आई जे यानी इसके अपने को क्या लेने हैं, कोफैक्टर लेने हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ से कोफैक्टर हो, सबसे पहले किसके ले लेंगे, एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ए, लेंगे डिटरमिनेंट ए के लिए, तो कोफैक्टर ऑफ सबसे पहले किसका हो जाएगा, ए वन वन का, वो कितना है टू, इसको डिनोट कर लेंगे अपन क्या, ए वन वन हो जाएगा, ए वन टू, ए वन टू, टू वन हो जाएगा और ए टू हो जाएगा, यानी ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू, यानी ये बना दिया, इसके अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ किसका ले रहे हैं, ए वन वन का, वो कितना अपने पास में टू है, तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए आपको पता ही है, जैसे कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो आपको पता है इसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये दो और ये कॉलम बचा हुआ क्या आपका फाइव है, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने फाइव, ठीक है। उसके बाद किसका फाइंड करना है, थ्री का, कोफैक्टर ऑफ किसके लिए हो जाएगा, थ्री के लिए, ये क्या है ए वन टू है और थ्री के लिए करूंगी, तो ये कॉलम और ये रो, तो बचा हुआ आपका क्या है, ओके। उसके बाद आपको देखो मैंने ऐसे बताया था, टू इंटू टू के लिए जो मैट्रिक्स होती है, यानी डिटरमिनेंट होता है, जैसे तो यहाँ क्या होता है प्लस और यहाँ क्या होता है माइनस, उसके बाद यहाँ माइनस हो तो फिर से क्या आता है, इवन वाले में मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो वापस क्या आएगा माइनस, और ऑड वाले में जैसे सीरियल चलते हैं प्लस माइनस ऐसे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ ये क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ ए वन टू की वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी, तो इसकी
A21, और A21 कितना अपने पास में 4 है, इसके लिए फाइंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम ये बचा कितना 3, और इसके भी क्या आएगा अपने पास में माइनस है। ओके नेक्स्ट अपन किसके लिए करेंगे, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ किसके लिए, A22 के लिए, A22 के लिए अपने पास में देखो किसके लिए अपने पास में 5 के लिए, तो यहाँ फाइंड करेंगे तो देखो ये कॉलम हो जाएगा और ये रो, तो बचा हुआ एलिमेंट्स क्या अपने पास में 4 और किसका सिंबल है प्लस का, तो समझ गए होंगे डायरेक्टली कोफैक्टर 2 × 2 के लिए। इसी तरीके से फाइंड करते हैं कोफैक्टर जिसके लिए फाइंड कर रहे हैं अपने पास में, तो देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ 2 के लिए किया तो ये रो और ये कॉलम बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो इसके क्या हो जाएंगे कोफैक्टर। सिंबल आपको मैंने बता ही दिया था 2 × 2 के लिए कैसे होता है, 2 × 3 × 3 के लिए कैसे होता है, ठीक है वो मैंने बताया। अब ये तो कोफैक्टर फाइंड हुए, ठीक है, तो देखो अब अपने पास में यहाँ सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करने के लिए मैंने बताया था यहाँ पर डिटरमिनेंट आता है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये आता है इसमें तो इसका क्या होता है माइनस, ये डिटरमिनेंट है, अगर यहाँ मॉडुलस होता तो क्या होता था पॉजिटिव वैल्यू हो जाती, पर डिटरमिनेंट में क्या होता है माइनस का ही रहता है और मैंने चैप्टर नंबर 4 में आपको बताया था, ठीक है, तो मॉडुलस और डिटरमिनेंट में दोनों में डिफरेंट है। मॉडुलस में क्या होता है नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव, बट डिटरमिनेंट में आपकी क्या रहती है नेगेटिव ही रहती है, तो इसका करेंगे तो इसका भी क्या आया माइनस के 3 आया और इस 4 का करेंगे तो आपका क्या आया 4। डिटरमिनेंट लगाना है आपको उसके बाद आपकी वैल्यू लिखनी है। अब देखो यहाँ से मैट्रिक्स ऑफ फैक्टर ऑफ एलिमेंट किसके लिए करेंगे अपन, एलिमेंट ए के लिए करेंगे, और जैसे मैंने इस कोफैक्टर को किससे डिनोट कर दिया इज बी से डिनोट कर दिया, मैंने बी से डिनोट कर दिया, और वैल्यू देखो आपके पास में A11 का कितना आया था 5, A12 का यानी अपने पास में कितना था माइनस के 4 था, फिर माइनस के 3 था और ये क्या था 4 था, और आपको पता है कोफैक्टर को डिनोट यहां से जैसे FIJ से किया जाता है, और FIJ को मैंने यहाँ क्या लिख लिया B लिख लिया, फिर यहाँ क्या होता है F11 होता है, तो F11 की वैल्यू आपके पास में कितनी है ये 5 है, यानी A11 के लिए क्या था तो कितना आएगा 5, F12 होता है F12 की वैल्यू क्या थी -4, और F क्या होता है यहाँ पर 2-1 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी है -3, फिर यहाँ पर होता है F22 उसकी वैल्यू क्या है 4। इसका जो बेसिक बताया था एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स उसमें जैसे सबसे पहले ए लिया था, ए लेने के बाद में उसको डिटरमिनेंट यानी ले ही लेंगे अपन, तो ठीक है ये तो इसकी मैट्रिक्स इसमें इस फॉर्म में लेंगे, डायरेक्ट मैंने यहाँ डिटरमिनेंट से लिया था, सबसे पहले इसके बाद इसका क्या लगाना है डिटरमिनेंट लगाना है, फिर इनके क्या फाइंड करने थे आपको कोफैक्टर फाइंड करने हैं, तो कोफैक्टर यहाँ डिटरमिनेंट आ जाएगा और इक्वल ही हो जाएगा, सिंबल इसके अकॉर्डिंग आपको लेने हैं। उसके बाद में क्या होता है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसके लिए फाइंड करें, इस ए के लिए फाइंड करें, तो यहाँ क्या आएगा डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है, तो कोफैक्टर को डिनोट मैंने किससे कर दिया यहाँ से बी से डिनोट कर दिया, आप भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ये वैल्यू मैंने फाइंड कर ली यहाँ पे पुट कर दिया। आपको पता है क्या होता है F11 होता है F12 F21 और F22 ये बन जाएगा, वहां पर मैंने ले रखा था FIJ इक्वल F11 F12 F13 यानी वो किस ऑर्डर में था आपका 3 × 3 में। अब देखो ये तो है आपका 2 × 2 है, फिर मैंने क्या कहा था कि एडजॉइंट ए क्या होता है, जो भी आपने कोफैक्टर लिया है उसका क्या करना होता है आपको ट्रांसपोज करना होता है, क्या करना होता है आपको ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं करना है अपने को, स्क्वायर मैट्रिक्स उसके तो क्या फाइंड करने है कोफैक्टर फाइंड करने, डिटरमिनेंट में लेके कोफैक्टर फाइंड करने के बाद में उसका क्या करना है यानी आपको ट्रांसपोज करना है, तो मैंने ये बना दिया है यहाँ से इसका क्या करूंगी ट्रांसपोज करूंगी, तो वहां मैंने लिखा था FIJ उसके बाद उसका भी क्या लगाया था मैंने ट्रांसपोज किया था। ओके तो यहाँ से देखो मैंने कोफैक्टर को डिनोट किससे किया है बी से डिनोट किया है, तो देखो बी का क्या करूंगी मैं यहाँ से ट्रांसपोज करूंगी, क्या करूंगी यहाँ से बी का ट्रांसपोज करूंगी, तो देखो बी ट्रांसपोज है इसके लिए क्या हो जाएगा अपने पास में देखो रो है वो क्या बन जाएगी आपकी कॉलम बन जाएगी, तो ये रो है इसको कॉलम बना देंगे तो आपका आएगा 5 − 4 ये रो है यानी आपकी, या फिर ऐसे करके ये कॉलम है इसको क्या बना दो रो बना दो, तो जैसे ऐसे हो जाएगा आपका एक ही बात है ये -3 कहाँ चला जाएगा उधर, ये कॉलम है इसको रो बना दिया और ये कॉलम है -4 और क्या हो गया आपका
फोर हो गए, ठीक है। तो अपने पास में देखो, इसमें शायद ही मिस्टेक हुई, टू के लिए क्या था बाकी ये रो और ये कॉलम बचा फाइव था, थ्री के लिए क्या था तो ये कॉलम और ये रो फोर बचा था, इसके बाद फोर के लिए कर रहे थे तो ये रो और ये कॉलम बचा था आपका थ्री, उसके बाद में इस फाइव के लिए कर रहे थे ये कॉलम और ये रो, तो बचा आपका क्या था टू था, सॉरी यहाँ कितना था टू और यहाँ पे कितना था थ्री, तो यहाँ क्या आया वो आया, तो यहाँ पर देखो वापस से करेंगे तो देखो ये कॉलम है इसकी रो बना दी तो फाइव माइनस में फोर, ये कॉलम है इसको रो बनाई तो यहाँ सॉरी, ठीक है ये मिस्टेक से हो गया तो ये बच जाएगा। तो अपन इसको b है उसका ट्रांसपोज अपन ने फाइंड कर लिया तो b ट्रांसपोज इक्वल में ही आया, और b के ट्रांसपोज को अपन क्या बोलते हैं एडजॉइंट a बोलते हैं, क्या बोला जाता है एडजॉइंट a, तो ये क्या आया 5 माइनस के 3 माइनस के 4 क्या हो गया आपका 2 है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ इस पर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल आपका या, ठीक है ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब देखो यहाँ से 3 into 3 के लिए मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, सबसे पहले देखो उसी डेसिमल 2 into 2 का था ए इक्वल में ये मैट्रिक्स दी हुई है, यानी मैट्रिक्स ए इक्वल ये दिया, इसके बाद इसको क्या फाइंड करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैंने क्या कहा था इसको डिटरमिनेंट में लेना है, तो देखो डिटरमिनेंट ए इक्वल 1 2 0 3 - 1 1 4 6 4, ठीक है ओके। अब देखो यहाँ से कैसे करेंगे इसको, फिर उसके बाद क्या कहा था आपको फैक्टर फाइंड करना है, सबसे पहले इसको बना लेंगे यानी क्या हो जाएगा ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट किसके लिए करेंगे ए 1 1 के लिए, और कितना इज सबसे पहले किसके लिए करेंगे 1 के लिए, इसके लिए करेंगे यहाँ से 1 1 1 के लिए करेंगे यानी इक्वल 1 के लिए करेंगे, देखो यहाँ प्लस होता है माइनस और प्लस वो सिंबल देखते हैं जैसे इसके लिए करेंगे, सबसे पहले देखो इस 1 के लिए करेंगे तो ये रो और ये कॉलम तो बचे हुए एलिमेंट्स है -1 1 6 4, समझ रहे हो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से माइनस के 1 into 4 माइनस क्या हो जाएगा 1 into 6 तो कितना आएगा -4 - 6 कितना हो जाएगा यहाँ से देखो -10 हो जाएगा, और फर्स्ट किसका होता है प्लस का होता है तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा -10 ओके। सेकंड डायरेक्ट कर लो हम ए 1 2 के लिए करेंगे, और ए 1 2 आपका कितना है यहाँ से 2 है यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है तो 2 के लिए करेंगे तो आपका कॉलम चेंज होगा, कॉलम कौन सा हो जाएगा ये आपके एलिमेंट्स बचेंगे 3 1 4 4, ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 into 4 कितना आ जाएगा यहाँ से 12, और यहाँ क्या आपके पास में 1 into 4 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 into 4 हो जाएगा, और यहाँ 12 - 4 कितना बचेगा आपका, और सेकंड देखो आपके पास में यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ पर अपने पास में सेकंड की क्या आएगा यहाँ से माइनस आएगा तो यहाँ क्या हो जाएंगे माइनस के ओके समझ गए होंगे। थर्ड अपने पास में किसके लिए यहाँ से 0 के लिए, तो यहाँ देखो थर्ड अपने पास में a13 है यहाँ से a13 बनेगा, और किसके लिए कर रहे हैं अपन 0 के लिए, यानी ये लाइन आएगी आपकी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, ठीक है तो 0 के लिए कर रहे हैं तब देखो आपके पास में आपका कॉलम चेंज हो जाएगा, कॉलम यहाँ से ये हो जाएगा रो वही रहेगी तो 3 - 1 4 और क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ओके। तो देखो 6 3 18 माइनस 1 into 4 और माइनस के 1 है तो कितना आएगा माइनस के 4 है, तो देखो 18 प्लस के 4 हो जाएगा कितना आएगा 20, और थर्ड आपका क्या है प्लस का है तो कितना आ गया यहाँ से 20 आ गया ओके। उसके बाद अपन
18 और 4 22 हो जाए, तो यहां से 22 आ जाएगा। उसके बाद किसका टर्न है? 3 का, तो प्लस के बाद यहां आता है माइनस और यहां प्लस, और यहां क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब किसके लिए करेंगे? माइनस 3 के लिए। तो देखो क्या है, माइनस 3 की जगह a21 है, तो a21 का करेंगे और माइनस की 3 है, तो देखो आपका क्या बनेगा, 2 है वो भी चेंज हो जाएगी। तो देखो आपकी रो ये बनेगी, कॉलम ये बनेगा, तो एलिमेंट्स देखो क्या बचे, इसमें बचे आपके 2, 0, 6 और 4, 2, 0, 6 और 4। तो क्या हो जाएगा आपका, ओ टू जा एट माइनस 0 × 6 क्या होता है, 0 होता है, तो आपका कितना आएगा एट, और यहां पर क्या आता है आपका माइनस आता है, तो क्या हो जाएंगे आपके माइनस के एट हो जाएंगे। अब इनको मैं एक बार ऊपर लिख लेती हूँ, यहां से देखो a11 की वैल्यू कितनी है, माइनस 10 है, a12 की वैल्यू कितनी है, माइनस 8 है, और ये कितना आया आपका 22, और ये कितना आया माइनस के। अब देखो आगे मैं बता दूं आपको, वो f1 कर लेंगे, f11 f12 f13, एक बार मैंने यहाँ लिखा है आगे बताने के लिए। उसके बाद किसका टर्न है? माइनस 1 का, तो आपका कॉलम चेंज हो जाएगा, कॉलम आपका ये हो जाएगा। तो देखो किसके लिए कर रहे हैं, a22 के लिए, और a22 के कितना है, माइनस 1 है। देखो यहाँ से माइनस 1 के लिए करेंगे, तो इसमें देखो आपके पास में तो आपका देखो क्या बचेगा, 1, 0, 4 और 4 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1 × 4, 4, और 0 × 4 क्या हो जाएगा, 0 कितना आएगा आपका 4। बट देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या होता है प्लस, तो किसका आएगा प्लस का ही है, तो ये कितना आ गया आपके पास में 4 है। ओके नेक्स्ट नंबर किसके लिए देते हैं, 1 के लिए, तो 1 के लिए करेंगे, इसका मीन्स क्या है, a23 है यहाँ से, तो देखो आपके पास में क्या आएगा, कॉलम आपका चेंज हो जाएगा, कॉलम आपका ये हो जाएगा, तो बचे हुए एलिमेंट्स है आपके 1, 2, 4, 6, तो देखो 1 को 6 से करेंगे 6, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, और कितना बचेगा माइनस के 2 बचेगा। अब देखो माइनस 2, बट ये देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है ये प्लस है, उसके बाद ये किसका होता है आपका माइनस का, तो माइनस फिर से आएगा, तो देखो माइनस माइनस के 2 है आपका, किसका हो जाएगा यहाँ से प्लस का हो जाएगा, समझिए होंगे आप। इसके बाद किसका टर्न है, 4 का, 4 के लिए 8, 3, 1 है, 4 है, तो देखो यहाँ से ये रो आपकी ये बन जाएगी, कॉलम ये बनेगा, तो देखो यहाँ से एलिमेंट्स बचे 2, 0, 1 यानी माइनस के ये है, तो आपके पास में क्या होगा यहाँ से 2 × 1, 2 माइनस माइनस के 1 × क्या हो जाएगा 0 जाएगा। ओके यहाँ से 2 माइनस, और वैसे भी ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, आपका क्या बचा है यहाँ से 2 बचा, और यहाँ सिंबल किसका आएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से 4, यानी अपने पास में किसका आएगा प्लस के 2 आएगा। ओके देखो 4 के बाद ये 2 था, और इसके बाद इसके वैल्यू भी अपने पास में क्या आई है यहाँ से 2 आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, इसके बाद किसका टर्न है 6 का, और वो क्या है आपका a32 है, 6 के लिए फाइंड करेंगे, तो आपका कॉलम कौन सा बन जाएगा ये, ठीक है, तो एलिमेंट्स कौन से बचे 1, 0, और ये माइनस का नहीं है, ये 3 है यहाँ से देख सकते हैं आप, और ये क्या आपका 1 है, ठीक है, तो 1 × 1, 1, और 0 × 3 आपका क्या हो जाएगा 0, कितना है आपका 1, और आपको पता है यहाँ से देखो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, और यहाँ क्या होता है आपका माइनस होता है, तो यहाँ क्या आ जाएंगे माइनस के 1 आ जाएगा। ओके उसके बाद देखो आपके पास में किसके लिए करना है, 4 के लिए, तो 4 क्या है a33 है, 4 के लिए करेंगे, तो देखो आपका कॉलम यहाँ से चेंज हो जाएगा, रो ये रहेगी कॉलम ये रहेगा, तो एलिमेंट्स देखो आपके ये बचे 1, 2, 3, -1, और ये हो गया 1 × -1 क्या हो जाएगा माइनस के 1, 3 × 2 जा कितने बन जाएंगे 6, क्या रहा है माइनस के 7, और देखो आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस तो किसका आएगा ये प्लस प्लस तो प्लस है या माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस के साथ ही रहेगा तो ये कितना आया माइनस के वन और ये कितना आया माइनस के सेवन। अब देखो यहां से मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है देखना एफ वन वन एफ वन टू एफ वन थ्री एफ टू वन एफ टू टू एफ टू थ्री एफ थ्री वन एफ थ्री टू एफ थ्री ये होता है मैट्रिक्स यही होता है ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको मैंने डिनोट की थी क्या बी से डिनोट कर दिया बी से तो बी से डिनोट करेंगे इस कंडीशन में। देखो यहाँ पर आपको मैंने बताया था यहाँ मैट्रिक्स का सिंबल आता है हो सकता है सोरी मैंने गलती से उसमें डिटरमिनेंट का लगा दिया तो हटा देना आप यहाँ किसका आएगा मैट्रिक्स का यानी ए रहेगा बिल्कुल ठीक है। तो को फैक्टर में देखो बी के लिए आपके पास में वो मिली हुआ है माइनस के टेन माइनस के एट यानी ये मैंने पहले नहीं बनाई थी इसलिए वहां लगा दी आगे सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए था मुझे। माइनस के एट है यहाँ फोर है टू है टू है माइनस वन है माइनस के सेवन क्या कहा था बी से डिनोट करने के बाद उसके बाद में इसका क्या करना था ट्रांसपोज करना था तो बी का ट्रांसपोज करेंगे आपके पास में जो रो है वो क्या बन जाएगी आपकी कॉलम तो ये है तो माइनस के टेन माइनस के एट ट्वेंटी टू ये रो है तो माइनस के एट फोर टू और ये रो है तो टू माइनस के वन माइनस के सेवन ये क्या आ गया अभी ट्रांसपोज आ गया और इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ से एडजॉइंट ए तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास में देखो क्या फाइंड हुई है यहाँ से एडजॉइंट ए इक्वल आपका आया है माइनस टेन माइनस एट टू माइनस के एट फोर माइनस वन ट्वेंटी टू टू माइनस के सेवन ओके यहाँ लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ओके इसके लिए आपका नेक्स्ट अपन ओके तो यहाँ से ये बना अगला टॉपिक है इसका वो कल देखिए ओके।